हे एलवर्स गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गया हूँ एक और न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। सो आज वाला जो वीडियो ना गाइस, वो काफ़ी अलग है क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ना वो काफ़ी अलग है। आज भी वीडियो वाला इफेक्ट यूज़ करने वाले हैं, तो सारा कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, मतलब कि आपको पता लगेगा प्रीव्यू देखने के बाद। सो सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। और प्रीव्यू देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी प्रीव्यू होता है वीडियो लाइक कर वरना डिसलाइक कर सकते हो। सो लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाए और नीचे कमेंट करने का मन हो सो जरूर से कर दे। सो सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। सो प्रीव्यू कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। सो गाइस, इस टाइप की वीडियो बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में जितने भी मटेरियल्स मैंने यूज़ किया उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल मटेरियल लिंक पे टैप करके आप इजीली से जा सकते हो। और जो भी मैंने प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करे हो उसके भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो जाके डाउनलोड कर ले। और जितने सारे भी मैंने फोटो यूज़ किया ना वो गाइस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और ये जो प्रीव्यू है ना वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हुआ होगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और यहाँ से जो मैं अपने लाइट मशीन को ओपन कर लिया हूँ, और लाइट मोशन ओपन करने के बाद प्लस के राइट साइड में जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और पहले आपको जो बीट मैप प्रोजेक्ट कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपको सॉन्ग एंड देन सॉन्ग नहीं होगा तो आपको लाइट्स वगैरह सारा कुछ इसमें ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो लाइट देख सकते हो तो कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना बार बार लाइट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में मैंने लोगो लगाया, उसको भी रिमूव करके आप अपना लगा लेना। और यहाँ पर भी एक लोगो दिखाई देगा तो इसको भी आप चेंज कर ले। देन इस वाले पॉइंट पर आएंगे और इस वाले पॉइंट से लेकर एंडिंग तक आपको जो है वो इमेज सबको इंपोर्ट करना है। सो इमेजेस कैसे इंपोर्ट करना, आप इस वाले पॉइंट पे आ जाना। देन यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्लस के ऑप्शन पे टैप करेंगे। देन मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे और इस टाइप से आपको इमेजेस वगैरह देखने को मिलेगा। सो कोई से इमेज को सिलेक्ट करते हैं, देन आपको क्या करना सिलेक्ट करके इस टाइप से रख लेना, इसको बाद में हम सेट करेंगे। देन एरो पे टैप करना, सो एक वाली एरो पे टैप करो तो फोटो के एंड में आओगे। सो दो बार एरो पे टैप करें अगले वाले बीट मार्क पे जाने के लिए। देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे ना गाइस तो फोटो ये जो यहाँ तक इजिली आ जाएगा। देन यहाँ इस वाले बीट से लेकर अगले वाले बीट तक फोटो ऐड करना, तो आप इसे प्लस पे टैप करेंगे इमेज एंड वीडियो। और देन आपको यहाँ से कोई सा इमेज को ले लेना और देन तीन डॉट पे टैप करके फिर से सॉरी नहीं करना, देन एरो पे टैप करना और अगले वाले बीट मार्क पे चले जाना। एरो एक और ही और टैप करना और इस टैप से इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको यहाँ तक ले आना। देन फिर से प्लस पे टैप करेंगे इमेज एंड वीडियो और यहाँ से कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। देन दो बारी बीट मार्क पे टैप मतलब कि एरो पे टैप करेंगे, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ये जो फोटो यहाँ तक आ जाएगा। देन फिर से प्लस पे टैप करते हैं इमेज एंड वीडियो और यहाँ से इमेज को देख लेते हैं कौन सा इमेज रखेंगे। सो नेक्स्ट इमेज ही रहेगा। देन एरो पे टैप करेंगे दो बारी और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ तक ले आएंगे। देन फिर से प्लस पे टैप करते हैं इमेज एंड वीडियो और यहाँ से देख लेना कौन सा इमेज को रख रहे हो। देन इस वाले इमेज को रखते हैं, देन दो बारी एरो पे टैप करना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ तक ले आना। देन फिर से प्लस पे टैप करते हैं इमेज एंड वीडियो और देख कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कोई इमेज को सिलेक्ट करना। देन थ्री डॉट पे टैप मतलब कि दो बार एरो पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ तक ले आना। सो यहाँ तक लाए, देन फिर से अगले वाली इमेज को देख लेते हैं। सो ये वाला इमेज, देन दो बार एरो पे टैप करें। सो ये जो पता नहीं इशू है इसलिए नहीं आ रहा। सो यहाँ से मैं वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से कुछ इस टाइप से ये वाला इमेज था। देन दो बार एरो पे टैप करेंगे और इस वाले बीट मार्क तक ले आएंगे। सो इतना कर लेने के बाद गाइज अब आपको क्या करना, अब आपको जो है इस वाले पॉइंट पे वापस से आ जाना जिस वन से आपने मतलब कि इमेज सबको स्टार्ट किया था उस वाले पॉइंट पे आएंगे। देन यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्लस के ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड वीडियो के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना ऑल का होगा ना उसको अपने टैप करके मतलब कि एक टेम्पलेट वीडियो मैं देने वाला हूँ। सो आपने जहाँ पे भी डाउनलोड करके रखा हुआ था सिंपल से वो सिलेक्ट कर लेना। तो ये रहा टेम्पलेट वीडियो। सो इस वाले टाइप इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो इसको
आपको क्या करना है, इस पर आपने टैप करना, देन थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, उस पर टैप करें, और फील कॉम्पोजिशन एक ऑप्शन मिल रहा है गाइस, उस पर टैप करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। देन देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये देखने को मिलेगा, तो इस टाइप से आपको देख लेना। अब आपको क्या करना है, आपने इस पर टैप करना, देन आपको क्या करना है, इफेक्ट के ऑप्शन में जाना और एड इफेक्ट पर टैप करना, और यहाँ से इसका ग्रीन स्क्रीन मूव करेंगे। सो क्रोमा की आपको सर्च में भी मिल जाएगा और ऊपर मिल रहा है, सो उस पर टैप करेंगे, देन स्टैंडर्ड सेटिंग में टैप करेंगे, और स्टैंडर्ड सेटिंग में टैप करने के बाद इसको थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन पर, जहाँ तक आपको ग्रीन स्क्रीन दिखे वहाँ पे आ जाना। देन थ्रेशहोल्ड पे जाके इसके थ्रेशहोल्ड को आगे को करेंगे, और यहाँ से आपको कुछ इस टाइप से थ्रेशहोल्ड को करना, और आपको कुछ इस टाइप से ये रिमूव होते दिख जाएगा। सो इस टाइप से देख सकते हो थ्रेशहोल्ड को आगे बढ़ाना, सो देख सकते हो गाइज, तो इस टाइप से आपको थ्रेशहोल्ड को कर लेना। सो देख सकते हैं कितने कितना रखना है, सो यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको थ्रेशहोल्ड को कर लेना। सो फाइनली ये इस टाइप से हो गया, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, तो यहाँ पे आगे और कर लेना, ठीक है। सो यहाँ से फाइनली हमारा जो है पूरा मूव हो गया, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। सो यहाँ से थोड़ा सा और कर लेते हैं, सो आपको ग्रीन स्क्रीन को पूरा रिमूव करना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, और फाइनली हमारा जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया, तो उसको आप बाद में सेट कर लेना। देन आपने वापस से इस पर टैप करना, और इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, एड इफेक्ट पे टैप करना, और यहाँ से कलर एंड लाइट के ऑप्शन में जाना, और यहाँ से आपको सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन दिख जाएगा, सो उस पर आपने टैप करना। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना, और इसको ओपन करेंगे, और सैचुरेशन को आपको माइनस में 100 कर लेना। सो यहाँ से फाइनली हो गया, और अब आपको क्या करना गाइस, देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन इसके आप इस पर आपने वापस से टैप करना, देन आपको क्या करना, इस पर आपने एक इफेक्ट लगाना, ठीक है। तो इफेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, एड इफेक्ट पे टैप करेंगे, और यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन में जाना, और हॉट कलर पे टैप करना, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना, देन इस हॉट कलर को ओपन करना, और यहाँ पे टिंट है, उसको आपको इस टैप से इसको जीरो कर लेना, ठीक है। सो जीरो कैसे होगा, आपने इसको इस टैप से करके सेंटर में बिल्कुल कर लेना, सो ये सेंटर में, और कलर के ऑप्शन में जाकर जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप रख सकते हो। सो मैंने कुछ इस टैप से ये कलर रख लिया, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से। सो जो भी आपको कलर पसंद है गाइज वो रख लेना, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पिंक कर लिया। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, सो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा। तो आपको क्या करना, क्रोमा की को यहाँ से कम कर लेना, ठीक है। सो क्रोमा की को आपको कितना रखना है, सो यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो यहाँ से 224 कुछ इस टाइप से आपको कर लेना। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से 2500 बिल्कुल कर लेना, तो यहाँ से देख सकते हो गाइज कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ से इस टाइप से आएगा, और ये कुछ इस टाइप से, सो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, और कितना सही लग रहा है गाइज, सो इस टाइप से देख लेना। देन आपको गाइज आपको इस वाले पॉइंट पे आना है, तो यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट पे आना, तक अगले वाले बीट मार्क पे जाना, और ये जो फोटो है ना इसको आपने टैप करना, और देन आपको क्या करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, राइट से थर्ड ऑप्शन, और इस टाइप से इसको जो फुल स्क्रीन कर लेना, फुल स्क्रीन मतलब कि जूम करके आपको जो फ्रेम के बीच में सेट कर लेना। सो देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये फ्रेम आएगा, और यहाँ से कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सो देख सकते हो कितना ऑसम सा लग रहा है। देन आपको आगे फिर से स्लाइड करके जाना, और यहाँ पे फ्रेम आ रहा है, सो आपने इमेज पे टैप करना इफेक्ट का ऑप्शन में, और इस टाइप से इसको जो है कर लेना, सो इस टाइप से फिट कर लेना, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको जो है सेंटर में कर लेते। सो इतना कर लें, देन फिर से आपको आगे स्लाइड करके जाना, और यहाँ पे कुछ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इमेज पे टैप करें, और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में राइट से थर्ड ऑप्शन है, इस टाइप से इसको जूम कर लेना, तो यहाँ से जूम कर लिया। सो आपको देख लेना कितना रखना है, सो अच्छे से आप फिट कर ले, तो यहाँ से हो गया। देन फिर से आपको इस टाइप से आगे जाना, और यहाँ पे आपको इस वाले इमेज को करना है, तो यहाँ से इस टाइप से बढ़ाए, सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से फ्रेम आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको कर लेना। सो ये भी हो गया। देन आपको इसी टाइप से गाइस जितने सारे भी यहाँ पे इमेज उन सबको सेट करना, तो यहाँ से मैं आपको इमेज के बीच में फोटो सबको सेट करके बताता हूँ आगे क्या करना है। गाइज यहाँ पे मैंने जो इमेज सबको जो फ्रेम के अंदर सेट कर लिया, देख सकते हो कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे मेरा जो फ्रेम कम पड़ गया था, मतलब कि जो ओवरले वीडियो ना वो कम पड़ गया था, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कट करके, और यहाँ पे देख एक स्टार्टिंग से वापस से ऐड कर लिया। सो इस टाइप से अगर आपको ड्यूरेशन ज़्यादा ना तो आप कर लें। देन आपको क्या करना गाइज, आपको अब इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना। सो ये वाला इफेक्ट प्रोजेक्ट है, देन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो आपने टेक्स्ट पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको गाइज देख सकते हो यहाँ पे जो रेक्टेंगल ना इस पर टैप करके इफेक्ट का ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे तीनों इफेक्ट दिए हुए, तो सिंपल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बैक चलते हैं, देन आपको चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे जो लाइक्स मिल रहा है उन सब पे पेस्ट करना। सो पेस्ट कैसे करना, आपने लाइक्स पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट,
देन वापस से लाइट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, तो यहाँ से वापस से टैप करेंगे इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, देन अगले वाले लाइट्स पे टैप करेंगे इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, तो अगले वाले लाइट्स पे टैप करेंगे इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज सब पे इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट कौन सा लगाना आपने इस पर टैप करना है, इफेक्ट का ऑप्शन में जाना, एड इफेक्ट पर टैप करना, और यहाँ से आपको क्या करना यहाँ पे ऑदर्स में चले जाना, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल आरजीबी करके, ठीक है, चैनल रिमार्क करके ये वाला मिल जाएगा। सो आपने इस पर टैप करना, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना, और यहाँ पे आपको कुछ जिस से मेंशन देखने को मिलेगा, सो आपको इस टाइप से आगे आ जाना, और यहाँ पे इमेजेस दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाना, देन आपको सबसे पहले आर मिलेगा, सो आर को आपने आर पे रखना, जी को आपने जी पे रखना, देन बी यानी नीचे कुछ हिसाब से लेफ्ट साइड को दिख रहा ना, आपने जी को कुछ हिसाब से देख लेना, ये वाला ऑप्शन को जी पे कर लेना, और देन ए को ऑप्शन है ना, ए को आपको क्या करना ए पे कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ हिसाब से कर लेना, यहाँ पे देख सकते हो इफेक्ट आपका चेंज हो गया। सो आपको मैं प्रीव्यू मतलब कि बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। सो इफेक्ट का ऑप्शन जाता है, इसको आप मार्क जब हम इस टाइप से आई का ऑप्शन पे टैप करोगे तो देख सकते हो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर, तो कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। सो आपने इफेक्ट के ऑप्शन में जाकर थ्री डॉट पे जाकर कॉपी इफेक्ट कर लेना, और ये जो वाला इफेक्ट है ना ये सभी इमेजेस पे पेस्ट कर लेना। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, देख सकते हो कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, देन अगले पे भी पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ हिसाब से देखने को मिल रहा है, देन अगले पे भी पेस्ट कर लेते हैं। सो पेस्ट करा तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से, देन अगले वाले पे इमेज पे भी पेस्ट कर लेते हैं। सो जितने सारे भी यहाँ पे इमेज हैं गाइज उन सब पे पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद गाइज अब आपको एक ओवरले वीडियो ऐड करना है, ठीक है। सो ओवरले वीडियो बता दो कौन सा है, सो इसको पहले मैं पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, देन ओवरले वीडियो ऐड करना है। सो वो कैसे करना गाइज, आपको इस वाले पॉइंट पे आना है, सो कुछ इस टाइप से जहाँ से आपको जो ओवरले वीडियो मतलब कि ये टेम्पलेट वीडियो स्टार्ट हो रहा है उस वाले पॉइंट पे आना, देन प्लस पे टैप करते हैं, और इमेज एंड वीडियो और जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है उस वाले पॉइंट को आपने मतलब फोल्डर को सिलेक्ट करना। से मैंने कुछ इस टाइप से फोल्डर को सिलेक्ट करा, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये टेम्पलेट वीडियो देखने को मिलेगा। सो ये रहा, देन आपने इस पर टैप करना, थ्री डॉट पे टैप करके यहाँ से फेस स्क्रीन करना है, और देन ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिटी ऑप्शन में जाना, लाइट एंड पे जाके इसको स्क्रीन करना है, और इसका जो ऑडियो है ना गाइज, सो यहाँ पे ऑडियो के ऑप्शन में जाएंगे, और इस ऑडियो के ऑप्शन में जाने के बाद इसको लो कर लेंगे। सो यहाँ पे लो करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से ये देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना, एंडिंग में जाना, मतलब कि यहाँ पे भी देख सकते हो कम पड़ रहा है, तो आपको क्या करना इस पर टैप करना, देन कॉपी दो डब्बे दिख रहे हैं उस पर टैप करके कॉपी लेयर करना, और देन जहाँ पे भी एंड हो रहा है सो यहाँ पे आ रहा है, देन आपको वापस से दो डब्बे पे टैप करना, और देन यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लेना, और यहाँ से इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। सो देख सकते हो यहाँ पे ये सेट हो गया, देन आपको ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देन आपको क्या करना, एंडिंग में जाना जहाँ पे भी वीडियो एंड हो रहा है, सो यहाँ तक हो रहा है, देन आपको वाले वीडियो पे टैप करना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कर लेना। सो फाइनली हमारा गाइस जो वीडियो बन के तैयार हो गया, सो अब आपका एक्सपोर्ट करना होगा। सो सेटिंग पे टैप करना, देन आपको जो इसका फ्रेम रेट है इसको आपको 60 कर लेना, देन आपको क्या करना सेटिंग राइजर में आइकन मिलेगा उस पर टैप करना, देन वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप करो तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस यार कुछ इस टाइप से वीडियो को बना ले, और कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो मैं तो किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।